अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये गन आई है जी मेरे पास, कैलिबर गन क्रिकेट 0.22 में। इसमें मसाइल हैं कुछ, वेरिएशन आ रही है और दूसरा एक रेसी का इशू है, तो इसको ट्यून करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसको मैं अभी खोलता हूँ और खोल के तो आपको चेक करवाते हैं जी इसके अंदर का। जी दोस्तों, इसका मैंने रेगुलेटर निकाल लिया है और कंडीशन इसकी आपके सामने है। जूम करके चेक करवाता हूँ जी आपको। ये अभी इसको अंदर से खोलते हैं और चेक करवाते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। जी इसका रेगुलेटर निकाल लिया है, रेगुलेटर की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। इसकी बैली वाली वॉशर्स को थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं और इंशाल्लाह ताला इसके बाद में मैं इसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ। ये जी क्रिकेट के रेगुलेटर को क्लीन कर लिया गया है बिल्कुल, अब इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे का रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। जी तो दोस्तों, ये रेगुलेटर जो है ये ट्यून हो चुका है, इसकी बैली वाली वॉशर जो है वो पॉलिश हो चुकी हैं, हर चीज़ ओके हो चुकी है। बस इसको अब सिलेंडर के अंदर बस इंसर्ट करना है, इंस्टॉल करना है और इंशाल्लाह ताला फिर मैं दिखाता हूँ जी नेक्स्ट क्या सूरत हाल बनती है इसकी। जी तो दोस्तों, रेगुलेटर जो है वो सिलेंडर में इंसर्ट हो चुका है। अब ये इसका प्लेनम है, इसको प्लेनम को भी इसके साथ लगाते हैं और इसको बंद करते हैं। अब इसको बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। ये तो दोस्तों, गन जो है ये मुकम्मल ट्यून हो चुकी है। मोबाइल को मैं लगाता हूँ क्रोनो पे और इसको मैं देखता हूँ कि क्या रिजल्ट देती है। ये तो क्रोनो को जो ऑन करते हैं और क्रिकेट का रिजल्ट चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, 859 859 849 10 का फर्क आया जी इसमें, पहले का इशू है शायद। हाँ जी 859 बिल्कुल, को पैलेट का इशू था उसमें। एक पैलेट और चला लेते हैं। वेरिएशन पैलेट का इशू था शायद, वैसे वेरिएशन जो है अभी तक सिर्फ एक FPS की आई है। ये आखिरी शॉट एक और चला देते हैं। हाँ जी 860 सिर्फ एक की वेरिएशन आई है और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। एक पैलेट और चलाते हैं। हाँ जी 860 मतलब कि वेरिएशन जो है सिर्फ एक ही है, तो बेहतरीन काम कर रही है जी। अभी इसकी FPS 870 करने तो वो कोई इशू नहीं है, अभी मैं इसको कर लेता हूँ। बहरहाल रेगुलेटर बेहतरीन ट्यून हो चुका है और उम्मीद है कि जिस भाई की है वो खूब इंजॉय करेगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाफिज़।